सियासत गर्मा गई। रविवार को भारतीय सेना ने पीओके में 3 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। सेना के इस ऑपरेशन में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते ही पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया, क्योंकि उसके नेताओं ने पीओके में की गई सेना की कार्रवाई की तारीफ करने के बजाय सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की चुनौती दे डाली। हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, अगर हिम्मत है और आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। सेना ने जिस दिन पीओके में यह ऑपरेशन किया उसके ठीक एक दिन बाद देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग होनी थी, लिहाजा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस पूरी कार्रवाई की टाइमिंग का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। Somehow there is a tendency to escalate the drama around military action just in time for voting. Let us see if they still say these things once the voting is over. जिसके बाद केंद्र सरकार ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को खरी खरी सुनाई और उनकी सोच पर ही सवाल उठा दिया। इस तरह के सवाल उठाने वाले लोग अपने चरित्र को दर्शा रहे, अपने विचार को दर्शा रहे और बिल्कुल यह गलत है। सेना की कार्रवाई पर बयानबाजी के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सेना की तारीफ की और ये साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। टेररिस्ट कैंप्स को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और अगर ये नई आवाज आए तो हम अंदर जाएंगे। केरल की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर भारी बारिश का काफी असर पड़ा। भारी बारिश की वजह से बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से नहीं निकल सके। उन इलाकों में असर सबसे ज्यादा पड़ा जहां लगातार बारिश की वजह से पानी भर गया। पोलिंग बूथ में पानी भरने से मशीनों को भी हटाना पड़ा। सुबह 12 बजे तक कई इलाकों में 10% भी वोटिंग नहीं हो पाई थी। इस पर राज्य के सीएम ने भी चिंता जाहिर की। चुनाव आयोग ने भी तेज बारिश को देखते हुए वोटिंग का समय बढ़ाने का फैसला किया। वहीं मौसम विभाग ने केरल के 13 जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी केरल के फिलहाल कुछ घंटों में कुछ भी वहां पर सही नहीं होने वाला है। भारी बारिश का असर राज्य में अगले 2 दिन और दिख सकता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक डांस कार्यक्रम के दौरान लड़कों के 2 गुटों के बीच डांस करने के लिए जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि ये लड़के नशे में धुत थे और उन्होंने डांस करने के विवाद में मारपीट शुरू कर दी। एक तरफ स्टेज पर डांसर नाचते रहे, दूसरी तरफ हजारों लोगों की भीड़ के बीच ये लड़के मारपीट करने लगे। एक वक्त तो हालात ऐसे बन गए कि लाल शर्ट पहने एक लड़का दूसरे गुट के कुछ लड़कों के बीच फंस गया और उन्होंने उसे खूब मारा। यही नहीं, लड़कों ने सफेद शर्ट पहने एक लड़के को डांस करने के लिए पीछे की तरफ धकेल दिया। इन लड़कों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, उन्होंने कार्यक्रम में लोगों के बैठने के लिए रखी गई कई कुर्सियों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ देर बाद टूटी फूटी उन कुर्सियों का ढेर एक जगह पड़ा हुआ दिखाई दिया और ये लड़के वहां नाचते दिखे। बवाल के काफी देर बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक ये लड़के फरार हो चुके थे।